हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए पुराने कुर्ती से बने हुए दो आइडियाज़ लाई हूँ। दोनों बैग्स हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास स्मॉल साइज़ की दो वर्क वाली कुर्ती है, तो आज वर्क वाली कुर्ती का रीयूज़ करते हैं। मैंने इसे बीच बीच में लाइनिंग स्टिच कर ली है। तैयार होने के बाद हमारे पास 15.5 by 25 का एक क्विल्टेड पीस हो गया है। इसे मैंने फोम नहीं लगाया है, नीचे का कपड़ा मैंने लॉक कर दिया है। इसे हम पिनअप कर देते हैं। वन साइड मेरी तरफ है, यहाँ पे हमारी खुली साइड आएगी। इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं। नीचे से मैं ले रही हूँ 3 inch, 3-3 inch के हम बॉक्स बना लेंगे। दोनों साइड हम 3 inch पर मार्क कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां से मैं ले रही हूं 1.5 inches, हम यहां मार्क कर लेंगे। दोनों साइड हम 1.5 inch पर मार्क कर लेंगे। इसकी कर लेंगे हम कटिंग। मेन पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम इसके लिए अंदर की तरफ पॉकेट बनाएंगे। सोलह बाय 13 के दो पीस लिए हैं। मेरे पास बहुत ही पतला कपड़ा था, इसलिए मैं डबल कर रही हूँ। लेंथ है 16 inches और विड्थ है 13 inches। हम इसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद फोल्ड कर देंगे। दोनों पॉकेट्स हम रेडी कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करना है। दोनों पॉकेट्स को मैंने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद हमारे पास 13 by 7 inches के दो पीस तैयार हो गए हैं। दोनों पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन पीस पर हम इसे सेट कर देंगे। ऊपर से हम 1.5 inches पे मार्क करेंगे। हम इसे यहाँ स्टिच करेंगे। हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। ऊपर हमारे पॉकेट आएंगे। तीनों साइड हम सिलाई करके रेडी कर लेते हैं और बीच में हम सेंटर में एक सिलाई करेंगे, ताकि हमारे दो पॉकेट्स रेडी हो जाएंगे। दोनों साइड हम पॉकेट्स को स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड मैंने पॉकेट्स को रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम हैंडल बनाएंगे। दो स्ट्रैप्स लिए हैं मैंने। विड्थ लिए है मैंने 3 inches और लेंथ है 23 inches। मेरे पास मैचिंग कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने अलग सा कपड़ा ले लिया है। पॉकेट्स भी मैंने अलग कपड़े से ही स्टिच किए हैं। बिल्कुल स्मॉल साइज की कुर्ती थी मेरे पास। आपके पास इससे बड़ी हो तो आप मैचिंग कपड़ा यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्लास्टिक बोरी इंसर्ट करेंगे। दोनों स्ट्रैप्स हम रेडी कर लेंगे। स्ट्रैप्स को मैंने रेडी कर लिया है। मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। सेंटर पॉइंट से 2.5 inches पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड हम 2.5 inch पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 1 inch डाउन जाएंगे। हम इसे 1/2 inch फोल्ड कर लेंगे। जहाँ से मैंने मार्क किया है वहाँ हम इसे सिलाई कर लेंगे। हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ हमारी जीप आएगी। दोनों साइड हम हैंडल्स को स्टिच कर लेते हैं। हैंडल्स को मैंने स्टिच कर लिया है। इसी के साइज की मैंने एक जीप ली है, उसमें रनर इंसर्ट कर दिया है। जीप को सीधी तरफ रखना है।
यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देनी है। दूसरी साइड भी हम जिप को स्टिच कर लेते हैं। दोनों साइड मैंने जिप को स्टिच कर लिया है। अब बैग को हम टर्न करेंगे। हम दोनों साइड यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड हम सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। सिलाई होने के बाद हम पाइपिंग करके कवर कर लेंगे। निकलने वाले धागे लॉक हो जाएंगे। दोनों साइड मैंने पाइपिंग करके कवर कर लिया है। अब नीचे का पोर्शन भी हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे, फिर बाद में पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों साइड हम रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड मैंने पाइपिंग करके कवर कर लिया है। बैग हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी टू यूज है। इसे हम टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा हैंडबैग हमारा रेडी हो गया है। अंदर की साइड टू पॉकेट्स आए हैं। इसमें 3-4 कपड़े आराम से बैठ जाएंगे। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना फोम लगती है ना क्विल्टिंग करने का झंझट, बिल्कुल इजीली बनके रेडी हो जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अगले आइडिया पर। देखते हैं आइडिया नंबर 2। ये भी पुरानी कुर्ती थी, आज हम पुरानी कुर्ती का रीयूज करने वाले हैं। लेंथ है 25 इंचेस और विड्थ है इसकी 14 इंचेस। इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। इसमें मैंने फोम लगाकर क्विल्ट करके रेडी कर लिया है। पहले हम इस पर एक साइड से पॉकेट लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसे पॉकेट लगाकर रेडी कर लेंगे। पॉकेट की लंबाई है 9 इंचेस और विड्थ इसके साइज के लिए है। इसे हम नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और तीनों तरफ से सिलाई करके रेडी कर लेंगे। बीच में हम एक सेंटर लाइन स्टिच कर लेंगे। पॉकेट को हम रेडी कर लेते हैं। ऊपर से मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच डाउन जाते हुए पॉकेट को स्टिच कर लेंगे। पॉकेट्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। हमारे यहाँ 2 पॉकेट्स रेडी हो गए। इसमें मैंने फोम यूज़ किया है, आप चाहे तो प्लास्टिक की बोरी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड मैंने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर से हम 1/2 इंच पर एक प्लेट बनाएंगे। दोनों साइड से हम 1/2 इंच प्लेट स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडों से मैंने प्लेट लेकर स्टिच कर लिया है। अब इसके लिए हम हैंडल बनाएंगे। मेरे पास स्मॉल साइज की कुर्ती थी, इसलिए कपड़ा बहुत कम था। आप चाहे तो मैचिंग कपड़ा भी ले सकते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। स्ट्रैप्स के लिए मैंने अलग सा कपड़ा लिया है। लंबाई ली है मैंने 23 इंचेस। विड्थ है 3 इंचेस। दोनों स्ट्रैप्स हम स्टिच कर लेंगे। स्ट्रैप्स को मैंने रेडी कर लिया है। यह हमारा सेंटर है। सेंटर से मैंने 2-2 इंच पर मार्क कर लिया है। दोनों साइड हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। दोनों साइड हम स्ट्रैप्स को स्टिच कर लेंगे। दोनों स्ट्रैप्स को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके लिए मैंने अलग सा कपड़ा लिया है। लेंथ इसके बराबर है और विड्थ है 2 इंचेस। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे।
यहाँ से हम एक साइड से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे पाइपिंग करके कवर कर देंगे। दोनों साइड हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों साइड से मैंने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। इसी की साइज की मैंने जिप ली है और एक रनर। जिप को हम सीधी साइड रखेंगे। यहां से हम इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हम जिप को स्टिच कर लेते हैं। बाद में हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे। जिप को सीधा ही रखना है। दोनों साइड से मैंने जिप को स्टिच कर लिया है। अब हैंडल्स को हम ऊपर की तरह स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हम हैंडल को स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने दोनों साइड से हैंडल को स्टिच कर दिया है और जिप में रनर भी इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसको उल्टी तरह से पलट लेंगे। जिप को बराबर करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे। दोनों साइड हम सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड से मैंने सिलाई करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड हम सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड से मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। इसका मेजरमेंट था 1.5 इंचेस। आप चाहे तो इसे कट कर दीजिए या तो यहाँ भी एक टाका लगाकर स्टिच कर सकते हैं। हाथ से सुई धागे से यहाँ स्टिच कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों साइड पाइपिंग करके कवर भी कर सकते हैं या तो कटिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जल्दी बनने वाला बैग है। आप कहीं शॉपिंग जा रहे हैं तो छोटा मोटा सामान इसमें आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों बैग्स बहुत ही अच्छे बने हैं। दोनों बैग्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। अंदर की साइड 2 पॉकेट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों बैग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको कौन सा वाला आइडिया अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।